दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो तोप के गोले भी सहन कर सकता था। फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड अपने लोहे जैसे पेट को परखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। वो आसपास खड़े लोगों को अपने पेट पर कूदने का निमंत्रण देते और एक एक करके उनके पेट पर सब कूदते जाते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और हैरानी की बात तो जब थी जब रिचर्ड अपने पेट पर हथौड़े भी मरवाते थे। भाइयों हद तो तब हो गई जब रिचर्ड ने उस कारनामे को अंजाम दिया जिसके लिए रिचर्ड को आज भी याद किया जाता है। इस हैरत अंगेज कारनामे में रिचर्ड एक 104 पाउंड्स के तोप के गोले को दिन में दो बार अपने पेट पर झेलते थे। फ्रैंक कैननबॉल रिचर्ड 81 साल तक जिंदा रहे।